मथुरा जनपद में बहुचर्चित फिल्म पद्मावत रिलीज होगी या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन इससे पहले पूरे जनपद में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं आगजनी तो कहीं पुतला दहन तो कहीं सिनेमा घरों के सामने चल रहा है विरोध प्रदर्शन। इस विवाद को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह की अगुवाई में भूतेश्वर स्टेशन मथुरा पर दिल्ली आगरा पैसेंजर को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया और फिल्म के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। इन सब के बीच ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी और रेलवे प्रशासन भी खासा परेशान रहा। मौके पर पुलिस प्रशासन होने के कारण भीड़ को जल्द ही रेलवे ट्रैक से हटा दिया गया। इस धरना प्रदर्शन की जानकारी जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह ने मंच न्यूज को दी। यार अपने रेल रोक लिया, क्या प्रदर्शन किया है इसके रूप में? देखिए पूरे देश में एक आग लगी हुई है, छतरियों में एक आक्रोश है, नौजवानों की भुजाएं फड़क रही हैं, रोम रोम इसके लिए खड़ा हुआ है। लेकिन हमारा संदेश यही है रेल रोक के कि पद्मावती का प्रदर्शन पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। आज छतरियों से ही मतलब नहीं, 1300वीं सदी में पैदा हुई पद्मावती का आज 2100वीं सदी में आज सम्मान किया जा रहा है, तो इससे बड़ा कोई इतिहास का पन्ना भरा हुआ नहीं है। लेकिन आज हम लोगों को ये दुख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने जो ये आज ऑर्डर एक तरफा किया है, इससे थोड़ा सा कानून के प्रति भी प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर कल मूवी रिलीज होती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, मथुरा में तो होगी नहीं, तो छत्रियों ने ये प्रण लिया है कि मथुरा में नहीं होने, और जैसा कि हमें पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि तीनों ही सिनेमा हॉलों में हमने लिख के ले लिया है कि यहाँ प्रदर्शन नहीं होगा। तो ये तो रही मथुरा की बात, लेकिन हम आपका चूंकि राष्ट्रीय चैनल है, हम इसमें संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारत में ये सिनेमा न देखी जाए। हमारे सभी समाज है, चूंकि हमारे संग हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भाई भी हैं, तो हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, सभी संप्रदायों का, हमारी संस्कृति से और हमारे जौहर शौहर से खिलवाड़ न किया।